दोस्तों ये जो अमृत मैंने आज बना रखा है ये आपके मरते हुए पौधों में जान डाल देगा। जो पौधा सूख रहा है, मर रहा है इस भयंकर गर्मी में, उसको ना बिल्कुल जिंदा कर देगा। और आपके पौधों में ना बिल्कुल बड़े बड़े फ्लावर, कोई भी पौधा हो उसमें इतने अच्छे हो फ्लावर खिला देगा, प्लांट बिल्कुल लस ग्रीन होगा। और अगर फ्रूट्स के प्लांट हैं तो जो फ्रूट होते हैं ना उसका साइज बड़ा होगा, उसमें अच्छा रस भरेगा, उसका टेस्ट बिल्कुल अल्टीमेट होगा। 90 दिन में बनके मेरा ये जूस तैयार हुआ है। किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिएगा, ज़रूर बनाइएगा, इस गर्मियों में अपने पौधों को जिंदा रखिएगा। और ये हम डालेंगे जो कि हमारे पौधों में नए नए फुटाव के लिए और नए नए कल्ले लाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने बोला था जब आप गुलाब की तैयारी करेंगे, गर्मी के लिए गुलाब की तैयारी करेंगे तो वीडियो शेयर करना कि आप कैसे करते हो। तो मैंने ये रखा था, आजकल हवा बहुत होने लगी है, ये पंखुड़े सब उड़ उड़ के ना इतना कूड़ा गार्डन में होने लगा है, तो मैं टाइम नहीं हो रहा था। तो आज ही मैं आपको एक चीज़ ये भी बताती हूँ, आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो ये देखिए, जो हमारा देखिए बम्पर मेरा गुलाब खिला हुआ था, कितना जाने चले गए हैं। आप लोगों ने देखी है, वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा, कौन कौन से फर्टिलाइजर डाले देखिएगा। फ्री के फर्टिलाइजर थे, घरेलू फर्टिलाइजर घर के, और उनसे बम्पर फ्लावरिंग हुई है। तो क्या करना है, जो ये बंच हमारी खिली है ना, पहले सबसे पहले हमें इनको सबको कटिंग कर देना है। अब आप अपने प्लांट की बिल्कुल लाइट कटिंग कर दीजिए, लाइट करनी है, हमें हार्ड कटिंग नहीं करनी है। जो जो आगे से हमारी ब्रांचें हैं जिनमें हमारी जो है कलियाँ खिली थी, गुलाब खिला था काफ़ी, इनको हमें कट कर देना है। अभी हार्ड कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, गर्मी का समय है अभी। ये देखें इस तरीके से पूरे प्लांट की कटिंग, एक प्लांट मैं आपको करके दिखा दूंगी। और जो ये हार्ड लीव्स होती हैं बड़ी बड़ी हमारे प्लांट से दोस्तों, इन लीव्स को भी आपको हटा देना है। तो हमेशा ये भी देखिए, ये खाली हमारे प्लांट का न्यूट्रिशन लेती हैं, न्यूट्रिशन ही ख़त्म करती हैं प्लांट का। तो इन पत्तियों को भी अक्सर हटा देना चाहिए अपने प्लांट से, जब फ्लावरिंग समय में भी हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जो है ना बहुत हो रही है और न्यूट्रिशन ही पांच प्लांट का जाता है। तो ये देखें मैंने इसकी लाइट कटिंग कर दी है, साथ में जो लीव्स थे वो लीव्स भी हटा दिए हैं। ये हटाना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं हटाएंगे और हमने प्लांट को तैयार कर रहे हैं नई ग्रोथ के लिए, तो ये स्वाभाविक अपने आप ही मतलब धीरे धीरे दिनों में आप पीली होती रहेंगी और गिरती रहेंगी, क्योंकि एक इनकी भी एक लाइफ होती है, आए हैं तब से, तो ये भी पीले होते हैं, पीले होकर ये भी गिरे रहेंगे। तो आप लोग ये टेंशन भी होगा कि हमारी पत्तियाँ पीले होने लगी, इस अच्छा कि इसको हम हटा दें जिससे कि हमारी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब हम प्लांट में कुछ न्यूट्रिशन भी डालेंगे, जो कुछ भी करेंगे तो नई ग्रोथ होगी और अच्छी ग्रोथ होगी नई हमारी। तो इस तरीके से मैंने इनको तैयार कर दिया है। तो चलिए इसके बाद अगला काम क्या करना है, जब हमने इसको तैयार करना है कर दिया है, उसके बाद मैं कंपोस्ट खाद अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 2 महीने में डालती हूँ कंपोस्ट खाद इसमें। अभी इसमें 2 महीने नहीं हुए, मैंने इससे पहले जब फ्लावरिंग हो रही थी उन दिनों कंपोस्ट खाद डाली थी। तो अभी मैं कंपोस्ट खाद तो नहीं डालूंगी, लेकिन लिक्विड वाला मैं फर्टिलाइजर डालूंगी, वो आपके साथ दिखाऊंगी। लेकिन क्या करना है, सबसे बड़ा काम क्या करना है, जब हम कटिंग और ये कर लेते हैं अपने प्लांट को तैयार करते हैं, इसमें एक स्प्रे करना होता है। वो स्प्रे किस चीज़ का करना है, वही स्प्रे बहुत यूजफुल स्प्रे है, वो आपको बताती हूँ। ये मैंने क्या बना रखा है दोस्तों, ये जेल बना रखा है। ये क्या है, ये एलोवेरा और लहसुन का जेल है। ये 2-3 पत्तियाँ एलोवेरा के मैंने पीसी डाली हैं और 5-6 कलियाँ मैंने इसमें लहसुन की डाल रखी हैं। ये बहुत बढ़िया है, एलोवेरा नेचुरल फर्टिलाइजर भी है, रूटिंग हार्मोन्स का काम भी करता है और बहुत ही हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा है। जो लहसुन है वो भी हमारे प्लांट में एक तो इंसेक्ट की बचाव करता है, बाकी हमारे पौधे को प्रकाश की क्रिया में एक सहायक होता है, इसमें फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, बहुत ही यूजफुल है। तो इसका हमें इसको पेस्ट बना के मैं इसमें लिक्विड मिलाती हूँ। पहले इसको लिक्विड मिला लेती हूँ, बहुत गाढ़ा ये हो रखा है, इसको हम लिक्विड बना लेंगे ऐसे। इस तरीके से एलोवेरा ग्राइंड होने में ही खुद ही लिक्विड बन जाता है ना, इसमें पानी नहीं डाला था तो बहुत गाढ़ा जेल ये हो जाता है। फंगस भी हमारे प्लांट पे इससे नहीं लगता है। और जिस जब हम इसको अपने प्लांट में स्प्रे करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है, प्लांट की कटाई छटाई के बाद फंगीसाइड का स्प्रे करना, क्योंकि उससे ना इससे जो हमारे प्लांट में नए नए कल्ले आते हैं, कल्लों की ना कल्ले तभी फूटते हैं प्लांट में जब हम आप इसका स्प्रे करोगे, बहुत ज़्यादा सूट से निकलती हैं और नए नए कल्ले हमारे प्लांट में निकलते हैं। ये देखें, तो ये मैं ले लेती हूँ इतना इतना इसमें ले लेती हूँ और इसको डाल देंगे हम अपने स्प्रे मशीन में डाल देते हैं और इसमें डाल देती हूँ पानी, उतना ही इसमें पानी डाल देंगे, कम ज़्यादा जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, पानी से नेचुरल चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कोई हानि नहीं पहुँचाती और अच्छा ही हमारे प्लांट के लिए होता है। और इसका हमें करना है अपने प्लांट में स्प्रे।
तो दोस्तों इस तरीके से अब हम अपने प्लांट को पूरा इससे इसकी टहनियों को ना बिल्कुल नहला देना है ऐसे गुलाब को। ये देखिए ये फर्टिलाइजर का काम भी करता है और फंगिसाइड का काम करता है, नेचुरल हार्मोन इसमें रूट रोटिंग हार्मोन्स भी है। एलोवेरा हमारा एलोवेरा ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, नहीं है तो लगा ले एलोवेरा को, नर्सरी में ही मिल जाता है, कहीं मिल जाता है, छोटा सा टुकड़ा भी इसका ग्रो हो जाता है। ये देखें इस तरीके से हमने प्लांट को पूरा भिगो देंगे। तो जो जूस मैंने बनाया है वो क्या है वो देखते हैं। ये देखें ये है और इसको मैं इसमें कर देती हूँ। तो ये हमने पूरा खाली कर दिया, इतनी खुशबू इसमें है, इस लिक्विड में हमने जो बना रखा है बहुत ही खुशबू इसमें आ रही है, ये देखिए। और दोस्तों ये क्या है, ये कीनू और संतरे का ये है बायो एंजाइम है, 90 दिन में बनके तैयार हुआ है। देखिए 90 दिन में ये हमारा पूरा जो छिलके हैं गल के डिकम्पोज हो गए पूरे छिलके। तो दोस्तों ये देखें ये 90 दिन में तैयार हुआ है और इतनी खुशबू इसमें है, बहुत ही खुशबू इसमें है इतने दिन में तैयार होने के बाद। इसको हमने जो बनाया था इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी उस दिन जब बनाया था। और दोस्तों ये इतना पावरफुल है, अगर हमारा कोई पौधा आपका लग रहा कि आज सूख रहा है मर रहा ना, मरते हुए पौधे को जिंदा कर देगा, इतना ही पावरफुल ये बायो एंजाइम होता है। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही, फ्रूटिंग नहीं हो रही है, पत्तियां अच्छी नहीं हो रही, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपने अगर फ्रूट्स के प्लांट लगा रखे, नींबू संतरा अमरूद लगा रखा है, तो बम्पर उसमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, फ्रूट का साइज बड़ा होगा और दूसरा उसमें इतना रस होगा ना, रसीला बहुत होता है और उसका टेस्ट बिल्कुल अल्टीमेट होता है, फ्रूट प्लांट का टेस्ट, फ्रूट बहुत टेस्टी होते हैं उससे, बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना ही है। तो दोस्तों आजकल भी संतरे चल रखे हैं, संतरे काफ़ी आजकल आ रहे हैं, आप अभी भी बना सकते हैं अपने गार्डन के लिए, आगे चलेगा। आप बायो एंजाइम ना भी बनाएं तो इसका बहुत ही अच्छा जो है जूस आप प्लांट के लिए बना सकते हैं। कुछ लेकर कुछ आधा किलो करीब छिलके इकट्ठा कर लीजिए या उसमें संतरे भी डाल सकते हैं, दो चार फीसें डाल सकते हैं, कुछ ख़राब होते हैं फल वो भी डाल सकते हैं, हल्का सा उसमें 20 ग्राम गुड़ डाल के 20 दिन के लिए स्टोर करके रख दीजिएगा। 20 दिन बाद भी आप उसको अनुपात में, जो अनुपात में इसका डालना बताऊँगी उसी अनुपात में डालेंगे। तो इसको हम अभी इसको पहले हम इसको छान लेंगे, छान के इसको मैं रख लूँगी। दोस्तों ये एक साल दो साल भी अगर रहेगा ना तो भी ये ख़राब नहीं होगा, ये दो साल तक भी मेरे प्लांट में चलेगा। तो मैं इसको छानूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे अपने प्लांट में। तो मैं इसको छान लूँगी और बहुत ज़्यादा गल गया है, छानने में भी थोड़ा इसमें आसानी नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना गला हुआ है। छान लेती हूँ, इस तरीके छान लेंगे, इसको बहुत ही गल गया है, मुझे इसको कपड़े में रख के छानना पड़ेगा क्योंकि ये फिर ये पूरा इसमें मटेरियल भी जो गला हुआ है ये आ जाएगा। आज ये मैंने 90 दिन तक रखा है लेकिन मेरे को थोड़ी लेट हो गई हूँ, करीब 100 डेज हो ही गए हैं, 10 दिन लेट हो गई उसको बनाने में और ये सारा डिकम्पोज हो गया है। तो थोड़ा सा मैंने इतना जूस निकाल लिया है जितना कि मैं आज यूज कर लूँ, इतना तो हमारा निकल ही गया है, बाकी मैं इसको छान लूँगी, फिर छान के रख लूँगी। हुआ है इसको मैं इसमें रख रही हूँ, देख रही हूँ कितना हो रहा है। तो इसमें से हमें लेना है केवल 50 ml, 50 ml में इससे लेती हूँ इसको। ये देखें ये है 5 लीटर का पानी और इधर 5 लीटर की इस बाल्टी में, 5 लीटर की बाल्टी है, 50 ml में मिलाने वाली हूँ। 1 लीटर में आप 10 ml मिलाएंगे और ये देखें इतना इतना मेरा ये बचा है। तो ये देखें दोस्तों ये है, ये मैंने 50 ml पानी, 50 ml बायो एंजाइम इसमें मिला दिया है, ये बहुत पावरफुल होता है इतना ही, और इसको ही हम अपने प्लांट में अब डालेंगे। तो ये मैं इसको निकाल लेती हूँ, ये देखें इस तरीके से हम इसको डाल लेंगे अपने प्लांट में, पानी हमने मिला रखा है तो प्लांट में डालते हैं। चलिए तो दोस्तों ये हमने कटिंग करी है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डाल देंगे, रूट से दूर दूर डालेंगे, हमारे प्लांट में ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, इतना बढ़िया जूस हम अपने प्लांट को समर में जब पिलाने वाले हैं। तो ये देखें इसमें भी डाल देते हैं, तो जब इसकी नई ग्रोथ हो जाएगी मैं आपके साथ वीडियो फिर शेयर करूँगी इसके आगे को। प्लांट है देखिए कलियों से भरा है, इतने बड़े बड़े इसमें फ्लावर आते हैं, ये फ्लावर हो चुका है और इसमें भी हम इसको डाल देंगे, ये देखें। और इधर देखें ये येलो गुलाब है, इसमें मेरा गुलाब खिला है, इसमें भी हम डाल देंगे, सारे प्लांट में मैं डाल दूंगी। अभी मैंने ये बना रखा है तो मैं आपको इतना डाल के दिखा रही हूँ, पूरे गार्डन के लिए ही मैंने बना रखा है। इस तरीके से सारे प्लांट में हम अपने इसको डाल देते हैं। तो दोस्तों ये थी
आज की वीडियो और बहुत ही अच्छी यूजफुल वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। इसे हम इस जूस को आप बायोएंजाइम को 20 दिन बाद अपने प्लांट में रिपीट कर सकते हैं। किसी भी प्लांट में, फ्लावर वाले, फ्रूटिंग वाले, लीव्स वाले, किसी भी प्लांट में, आउटडोर इनडोर किसी भी प्लांट में से यूज कर सकते हैं। 20 दिन में आप यूज कीजिएगा पानी डाल के, और अगर आपने नहीं बनाया है तो बनाइएगा। और कैसे लगी वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, कहाँ से देख रहे हो वो भी कमेंट कीजिएगा। मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी इस ऑर्गेनिक जर्नी में मेरे साथ देने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बगल से जो बेल है उसको जरूर दबाना, जो कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए और आपकी मेरी वीडियो आपके होम पेज पर आए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।